भारतीय नौसेना काफी एक्शन मोड में आ गई है। भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर, लड़ाकू पोत और लड़ाकू विमान लगातार उस इलाके का गश्त कर रहे हैं। हालिया वाकयात के बाद तो बाकायदा एक जंग जो है वो छिड़ गई है। अगवा जहाज की ओर बढ़ रहा है INS चेन्नई। भारत में बोरा अरब में 3 जंगी बहरी जहाज तैनात कर दिए गए। मैं बताऊं, इंडियन जो नेवी है उनके स्पोक्स पर्सन ने भी इस पे कमेंट कर दिया है। द इंडियन नेवीज गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर द INS चेन्नई इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स द वेसल। इंडियन नेवी का जो मिशन डिप्लॉयड है जो डिफरेंट जगहों पे, और उन्होंने इस मैरीटाइम जो इंसिडेंट हुआ है अरेबियन सी में जिसमें हाईजैकिंग हुई है उस पे दे हैव स्पोकन अप। नौसेना के विमान हाईजैक जहाज पर नेवी की पैनी नजर। ये कहना तो पहली बात तो मैंने कहा कि जो एंटी इंडिया और एंटी जू पैराडाइम है हमारा, और कहा जाता है कि 5 से 6 लोग इसके ऊपर मौजूद हैं जिन्हें आप मिलिटेंट्स कहते हैं। अमेरिकी रियासत न्यूजर्सी में मस्जिद के इमाम को गोलियां मार कर कत्ल कर दिया गया। The United States and the United Kingdom are warning the Yemen-based Houthis of consequences in the case of any more attacks on ships in the Red Sea. Prime Minister Modi's interview with India Today, where he said ke main tamam faisle jo hain will do from the prism of nation. Hamara ek paradigm tha ki ye hamara hame inke khilaf jang karni hai. Ye hamara paradigm bekar hai. Khatam. Isi saal के मतलब ये साल खत्म नहीं हुआ और इंडिया ने जो है दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर आजाद हुआ था तो इंडिया में एक सुई भी नहीं बनती थी और आज इंडिया ना सिर्फ हर चीज अपने मुल्क में बना रहा है बल्कि दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि 75 सालों में इंडिया कहां से कहां पहुंच गया और पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान कहां पर एग्जिस्ट करता है। तो आइए इसी पर बात करते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अब इसी साल के मतलब ये साल खत्म नहीं हुआ और इंडिया ने जो है दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। क्या कहेंगे इंडिया की कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि वो एक के बाद एक चीज बनाने पर फोकस कर रहे हैं। जी मैं आपको थोड़ा बहुत अपने नॉलेज शेयर करूंगा कि मुझे याद है कि इंडिया ने हमारे इधर माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ना वो प्रोग्राम किया था कि हमने इधर यहाँ पे ना माइक्रोसॉफ्ट करना है, बनाना है। तो हमारे इधर तो वहाँ पे तब जो था बिजली का बड़े इशू थे, टेक्नोलॉजी के बड़े इशू थे। तो उन्होंने समझ लें कि हाफ बिल्ड जो है ना बिल्डिंग छोड़ दी। अच्छा। वो इंडिया मूव कर गए। वो वहाँ पे ये हुआ कि इंडिया ने उनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया। शॉर्टली आपको बता रहा हूँ, उन्होंने उन 3 सालों में क्या किया, अपने जो नौजवान है, अपनी जो यूथ है, अपने जो लोग हैं, उनको इतना तैयार कर लिया कि 3 साल बाद उनका जो है ना प्रोग्राम एक्सटेंड नहीं किया। उनको कहा आप अपना सामान उठाएं और वापस चले जाएं। अच्छा। ब्लैकमेल किया ना कि आप अपना सामान उठाएं वापस चले जाएं, अगर आप इधर प्रोग्राम करना है तो हमारी ये डिमांड्स हैं, जो वो पूरी नहीं कर सकते थे। लिहाजा उन्होंने क्या किया, वही माइक्रोसॉफ्ट अपने मुल्क में अपने लोगों के हैंडओवर करके अपने लोगों को लेके चल रहे हैं। यानी कि हमारे इधर तो ये होता है कि 100-100 साल की लीज है। अच्छा। कोई भी चीज़ है, एक पत्थर निकल आया, कोयला निकल आया, एक मैं कह रहा हूँ कि ज़रा भी निकल आया ना, तो यहाँ पे जो हुक्मरान बैठते हैं ना वो कहते हैं 100 ईयर्स लीज लें हमसे, हमें ऐसा करें, हमें क्या देते हैं। यहाँ पे तो ये चलता है ना, हमें क्या देते हैं। मैं गवर्नमेंट से रिलेटेड हूँ, मैं देखता हूँ मैक में, यानी कि हर बंदा कहता है यार मुझे क्या देते हो आप, छोड़ो मुल्क का। आपने ये जो बात की ना वो मुल्क के मफाद के लिए कर रहे हैं ना। उन्होंने नेक्स्ट प्रोग्राम भी इसीलिए स्टार्ट किया है, और वो इन चीज़ों पर हमारे पास तो इधर ज़रूरियात ज़िंदगी के पैसे नहीं है लगाने के लिए, वो एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। और उनकी इकोनॉमी भी ऊपर चलेगी, उनकी हर चीज़ ऊपर चलेगी ये 10-20 सालों के अंदर अंदर। हमारे बच्चे जो हैं वो बेचारे अभी भी आप कह लो ना, एक सुई भी जो है ना वो भी हमें चाइना से दरामद करवानी पड़ती है। कोई भी चीज़ है, वट एवर आप कोई भी चीज़ देख लेंगे ना, हमारे इधर इतना इतना माइंड है, इतना इतना दिमाग है। मैं मुझे याद है कुछ लोग ऐसे मेरे दोस्त हैं कि जो इतने ब्रिलियंट थे कि उनको माइक्रोसॉफ्ट उठा के ले गया अच्छी सैलरीज पे। वही सैलरीज उनको अगर पाकिस्तान दे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, उनको इधर अच्छी सैलरी दे, आधी भी दे, उनसे आधी भी देना, वो लोग आने के लिए तैयार हैं। अगर उनको अमेरिका US उनको 6 लाख दे रहा है, वो कह रहे हैं यार हम 2 लाख में पाकिस्तान काम करने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ तो देना। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से ना जो है आप कह लो कि टेक्नोलॉजी की ना लोगों की कदर है, ना ब्रिलियंट लोगों की इनको ज़रूरत है। यानी काबिल बंदा जो है ना वो इन शॉर्ट वो बेचारा एंड यहाँ पे फिर मेरे आपके जैसे लोग रह जाते हैं। एक जो हाईजैकिंग की वाकया हुआ है अरेबियन सी के अंदर, एक लाइबेरियन फ्लैग्ड वेसल है, उसका नाम MV लीला नॉरफोक है, जो कि हाईजैक हुई है 4 जनवरी को। 15 इंडियंस उसके ऊपर थे कहा जाता है, और
आपको पता है कि इंडियन नेवी ऑलरेडी अपने शिप्स जो है वो INS चेन्नई और ये जो है वो भेज चुकी हुई है, और ये चीज़ें हैं। और इस पर मैं बात बताऊँ, इंडियन जो नेवी है उनके स्पोक्स पर्सन ने भी इस पर कमेंट कर दिया है। इंडियन नेवी का जो मिशन डिप्लॉयड है जो डिफरेंट जगहों पे, और उन्होंने इस मैरीटाइम जो इंसिडेंट हुआ है अरेबियन सी में जिसमें हाईजैकिंग हुई है उस पर दे हैव स्पोकन अप, और कहा जाता है कि 5 से 6 लोग इसके ऊपर मौजूद हैं, जिन्हें आप मिलिटेंट्स कह लें, जिन्हें आप आर्म पर्सनल कह लें, जो भी आपने कहना है। अब ये कहा जाता है कि ये जो एक INS चेन्नई था जो इस इलाके में था उसको उन्होंने डाइवर्ट किया और डिप्लॉय किया मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन के हवाले से इस वेसल पे। और अब देखना ये है कि इंडिया इसमें क्या कर पाता है। और इंडियन नेवी ने अपने जो शिप्स हैं वो ऑलरेडी इस इलाके में भेजे हुए हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह साहब वो कह चुके हैं कि हम जिसे कहते हैं ना कि हम बदला लेंगे, हम उनको ढूंढ निकालेंगे, ये चीज़ें वो सारी की सारी ये कह चुके हुए हैं और ये कह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है जो इस इंसिडेंट के हवाले से कि एक तो जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि अमेरिकन्स कॉन्टीन्यूसली एक ही चीज़ कह रहे हैं कि जो एक मल्टीनेशनल नेवल कोलिशन है जिसको ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के नाम से इंडिया को इनवाइट किया गया ताकि हम जो यमनी होथीज के जो हैं उसमें आए। देखिए इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं, दे डोंट वांट टू बी गेट लेबल्ड विद द अमेरिकन्स। ये मूव अफगान तालिबान की भी है, मैं आपको बात बताऊँ आपको वो कैसे। अफगान तालिबान सेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एलिमिनेटिंग अलकायदा और दाइश, वी विल डू इट आवरसेल्फ। वो कहते हैं क्योंकि अगर हमने ये किया तो देर कुड बी कॉन्सिक्वेंसेज फॉर दैट फॉर अस, हमारे लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं।